तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर, याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी, जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। ए, साफ, साफ। अरे यार शंकर, शंकर संभालो अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, डंडा दे मुझे यार। ए! अरे मुझे मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा, वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे, इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो कब का मार देती, पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया। जिसकी सजा आज आपको मिल रही है, सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं। बुरा तो लगता होगा ना आपको, यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है और ना कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं। जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती और ना कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू बिना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है? कहाँ है हेलीकॉप्टर? कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुनाऊ मैं? अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है, सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से। अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की एक क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अबू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के वहां एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले? हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अप्पू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे सुना एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछ कर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे इच्छा, अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे। क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम, क्या? आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई, उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूं, वो ही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें भी बुला रही है। चलो बबल जी, एक सेकेंड। वो दो बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले। थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में। ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना, तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी, मैं रोज तेरी मालिश करता हूं, तू मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया, तू इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ, जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं। तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागूमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मरना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है। अरे मैं कह रही हूं ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अभी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें, बैठो। बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा, चलो ना, बैंक के पास एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने क्या? तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें?
आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों, तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी? चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो, लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो। अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है ये वो हमारे साथ है, हमारे साथ। Excuse me. Yes. मुझे अपने दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। अच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं, वो इस बॉल के साथ खेलेगा। हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। मम्मा, वो प्यारा सांप है। चुप कर।
वो मैं जिनके साथ आई थी वो जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागूमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई नहीं लेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। अकबर कर दे।